Today we are going to discuss about bacterial resistance. ये टॉपिक थोड़ा सा ओवरलैप होता है फार्मा वालों से, हम लोग उसमें बेसिकली से जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है वो डिस्कस करेंगे, बाकी इसमें फार्मा वाले बात करेंगे। वट इज रेजिस्टेंस? रिलेटिव और कंप्लीट लैक ऑफ इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक अगेंस्ट प्रीवियसली ससेप्टेबल माइक्रोब इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब कि एक एंटीबायोटिक या एक दवा पहले हम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट दे रहे थे, अब वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही टू स्टॉप द ग्रोथ और किल द बग, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। राइट, डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन इन्फेक्शंस वर पोटेंशियल फर्टिलिटी सर्जरी वाज अ मेजर रिस्क। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय चांस बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बड़ा मजे का काम किया था। हमको भी क्या होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, उसमें कुछ खराब हो, हम सर पकड़े बैठे तो परेशान हो जाते कि क्या हुआ। फ्लेमिंग ने क्या किया कि जो कल्चर मीडिया प्लेट्स थी उसमें देखा कि कुछ चीज़ आके गिरी है पाउडर टाइप वाइटिश, और अराउंड दैट जो बैक्टीरिया है कॉलोनी में ग्रोथ किया वो कल्चर प्लेट में जस्ट लाइक दिस वन, वहाँ पे उसके जो साइड सराउंडिंग एरिया वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो रही। ही स्टार्ट थिंकिंग कि क्या हो रहा है। उसके बाद उसने फिर फर्दर स्टडीज़ की, इससे पता लगा कि इस पाउडर में कोई ऐसा है केमिकल जो कि बैक्टीरिया को मार रहा है। यहाँ से एंटीबायोटिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद चेन फ्लोरिक एंड हेथी कंट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट मास प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेंसिलिन फ्लेमिंग एंड फ्लोरिन को नोबेल प्राइज इन 1945। यहाँ से हमारा एक्चुअल जो एंटीबायोटिक्स स्टार्ट हुए। थोड़ा सा हम डिस्कवरी को बात करते हैं, पहले हमारे पास पेंसिलिन आई, उसके बाद प्राइसिस ग्रोफेनिकल आए और बाकी चीज़ें आई हैं, एंड पे इन 2023 लेटेस्ट आई है वो डेप्टोमाइसिन आई है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये प्रोग्रेस स्लो हो रही है। कैन एनीवन गेस ये स्लो क्यों हो रही है? थोड़ा इस पर सोचेंगे कि बाय द प्रोग्रेस इज स्लो डाउन। द प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस वॉज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट। फ्लेमिंग ने जब 1945 में नोबेल प्राइज मिला उसको, तो उस वक्त उसने कहा था कि आई वुड लाइक टू साउंड वन नोट ऑफ वार्निंग, पेंसिलिन इज टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस नॉन पॉइजनस, सो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट गिविंग एन ओवर डोज एंड पॉइजनिंग द पेशेंट, देर मे बी अ डेंजर, दो इट अंडर डोजेज इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक माइक्रो रेजिस्टेंट टू पेंसिलिन इन द लैब by supposing that concentration not sufficient to kill, and the same thing has occasionally happened in the body. मतलब उसने फ्लेमिंग ने उसी वक्त कह दिया था कि रेजिस्टेंस हो सकती है कि अगर हम डोजेज प्रॉपर नहीं लें, इस वजह से जो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक कोर्स से 3 दिन का या 5 दिन का वो पूरा करना है तो वो पूरा करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन मेडिसिन ले ली आप के सिम्टम ख़त्म हो गया तो आप फिर दवाई छोड़ दो, एक प्रॉपर डोजेज एंड प्रॉपर रेजीम। होता क्या है कि स्टार्ट में हमारे पास सेंसिटिविटी होती है, उसके बाद बैक्टीरिया ज़्यादा से बाद बैक्टीरिया ने भी अपना एक्टिविटी करनी है सारी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो विद द पैसिव टाइम उसका वो इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो कम होती जाती है एंटीबायोटिक की, और एट अ टाइम कम व्हेन देयर इज टोटल रेजिस्टेंस। मतलब बेसिकली हम रेजिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं कि जो इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है ड्रग की वो कितनी चाहिए हमें ड्रग की ग्रोथ को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है जो जब नई डेवलप हुई उसको 1 मिलीग्राम चाहिए रोकने के लिए, विद द पैसिव ऑफ टाइम ये कंस्ट्रेंट बढ़ती जाएगी 2 मिलीग्राम चाहिए किल करने के लिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, एंड अ टाइम विल कम व्हेन एट एनी कंसंट्रेशन नो मैटर हाउ हाई कंसंट्रेशन यू गिव योर बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं होगी या ग्रोथ इनहिबिट नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ये ग्राफ है कि एंटीबायोटिक्स हमारे स्पेसिफिकली पेंसिलिन कब बनी, किस तरह बनी और उसकी रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती गई। आप देखें विद द पैसिव टाइम रेजिस्टेंस कैसे बढ़ी है। होता क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस जैसे कि डार्विन ने डिपेक्ट किया था कि नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट वन, तो वही होता है कि अब कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर म्यूटेशन से जो रेजिस्टेंट जीन को बना लेते हैं जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक एक्ट नहीं कर पाता उन पर, दे विल सर्वाइव अदर वन विल डाई आउट। तो इस तरह बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू वन ड्रग, देन द सेकंड वन, देन द थर्ड वन, एंड द विशियस साइकिल कंटिन्यू।
कुछ बग्स ऐसे भी आ गए हैं जैसे स्विफ्ट वेक्टर है या ईकोलाई कुछ स्पीसीज हैं या बोटलिनिक कुछ स्पीसीज हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑल नोन एंटीबायोटिक्स टू ह्यूमन बींग। अब सवाल ये उठता है कि अगर टोटल रेजिस्टेंस आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें फिर हम ये करते हैं कि कम्बिनेशन ड्रग देते हैं, दो ड्रग या तीन ड्रग मिला के देते हैं, इस तरह से होता है। रेजिस्टेंस यूजुअली इमर्जेस सून आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू एंटीबायोटिक। अब ये क्या तमाशा है कि नई एंटीबायोटिक आए तो पुराने की रेजिस्टेंस होगी? होता है इस तरह के ड्रग डेवलपमेंट में टाइम कितना लगता है कि जब तक नई ड्रग बनती है पुरानी वाली रेजिस्टेंस हो चुकी होती है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास क्या क्या है? एंजाइमेटिक इनहिबिशन है, ऑल्टरेशन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, रैपिड इजेक्शन ऑफ ड्रग या इफ्लक्स जिसको हम कहते हैं, या रिड्यूस ड्रग इन्फ्लक्स है, या बाईपास एंटीबायोटिक इनहिबिशन है, और ऑल्टरेशन इन टारगेट साइट्स है। इन सब को हम बाय बाय डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? इसमें हमारे पास क्या होता है कि जी उसने कुछ जीन ऐसे प्रोड्यूस कर लिए जो कि एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहे हैं, साथ उसमें इन्वर्जन भी आ सकती है, वहाँ पर डिलीशन डुप्लीकेशन सब आ सकते हैं, कोई किसी टाइप की म्यूटेशन हो सकती है, या कि कोई फॉरन डीएनए आ गया, प्लाज्मिड आ गया बैक्टीरियोफेज का, या ट्रांसपोर्शन आ गया, वो भी अपना रोल प्ले कर सकता है रेजिस्टेंस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब बाहर से हमारे पास क्या आ रहा है, एंटीबायोटिक आ रहा है, एंटीबायोटिक पे एक्टिविटी हुई सारी बैक्टीरिया की, उसने बैक्टीरिया ने कुछ केमिकल्स बनाए, ये देखें जैसे प्लाज्मिड में आके एक्टिवेट हुआ और उसने कुछ एंजाइम डिग्रेडिंग एंजाइम बना लिया जो एंटीबायोटिक डिग्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ से इफ्लक्स पंप एक्टिवेट हुआ, जो ड्रग एंटीबायोटिक इन हुआ उसको उसने आउट कर दिया, ठीक है। इस इधर जो मैकेनिज्म शो हो रहा है और ऑल्टरिंग का, एंटीबायोटिक एंटर हुआ प्लाज्मिड ने एक्टिविटी की, कुछ प्रोटीन्स बनाए जो कि एंटीबायोटिक से बाइंड हो गए और उसकी एक्टिविटी को रोक दी। एंजाइमेटिक इनहिबिशन में हमारे पास सबसे पहले आता है बीटा लैक्टिन सेक्रेटिंग होती है, बीटा लैक्टिन रिंग होता है, उनपे जो कि एंटीबायोटिक को क्लीव डाउन कर देता है। क्लीव डाउन करने का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक का मॉलिक्यूल है उसको वो ब्रेक डाउन कर दे और वो एक्ट नहीं कर सकेगा। क्या बीटा लैक्टिन में यूजली उसमें जिंक होता है और जो कि बाइंडिंग होता है थायरॉइड ग्रुप के साथ, और ये दोनों चीज़ जरूरी हैं आप बीटा लैक्टिन एक्टिविटी के लिए, और ये फिर आप उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं आपकी ड्रग। ये करते क्या हैं, हाइड्रोलाइज ऑफ साइक्लिन रिलेटेड पेंसिलिन को कर सकते हैं, कार्बेंसिलिन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दोज दैट ब्रेक डाउन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा लैक्टिन लाइक एजिथ्रोनाइम उसको भी हो जाएगा। तो मल्टीपल ड्रग्स हैं जिनको ये अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से डिग्रेड करते हैं। उसके बाद फिर एंजाइम प्रोडक्शन होती है जैसे मायोग्लाइकोसाइड्स हैं, क्लोरोफेनिकल कोटेड बाय प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल जीन। अब क्लोरोफेनिकल आपने लिया है उसको, उसने प्लाज्मिड्स ने मायोग्लाइकोसाइड निकाले जो कि उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। एंजाइम्स की मॉडिफिकेशन होती है जैसे अब देखें ये वाली जो साइट है यहाँ से बीटा लैक्टिन रिंग जो एंटीबायोटिक है वो इसको यहाँ से आके क्लीव करेगा और आपका एंटीबायोटिक दो पार्ट में होगा तो फंक्शनलेस हो गया। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास मॉडिफाइंग एंजाइम्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन जैसे एसिटाइलेशन है, ओ न्यूक्लियोटाइडेशन है, या ओ फॉस्फोरिलेशन है। अब क्लोरोफेनिकल ट्रांसफरेज जो है वो क्या करेगा, हमारा इनएक्टिवेट करेगा 3O एसिटाइलेशन प्लाज्मिड को क्रोमोसोमल एक्टिविटी से। इसे एथ्रोमाइसिन स्ट्रेस है जो कि इकोलाई में होता है, वो आपके एथ्रोमाइसिन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ये आ रहा है कि डिग्रेडिंग एंजाइम्स आएंगे एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो एंजाइम की ब्लॉक एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ये यहाँ पे एंटीबायोटिक आया है उसको, ये देखिए उसके सराउंडिंग प्लेस ने कुछ एंजाइम्स बनाए जो उसको बाइंड करेंगे और इनएक्टिवेट कर देंगे। डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है, ये देखिए पूरा एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल आया, ये डिग्रेडिंग एंजाइम ने इसको डिग्रेड कर दिया और ये आपका क्लीव होकर दो मिनट स्प्लिट होकर टूट गया। जब स्प्लिट हो गया तो वो अपना रिसेप्टर साइट बाइंड नहीं कर सकेगा और एक्ट नहीं कर सकेगा। इसी तरह पर ऑल्टरेशन मैंने बताया कि वो उसको आइदर उसके पे कुछ आकर बाइंड कर देगा रिसेप्टर साइट पे, या उसके रिसेप्टर्स को ही मॉडिफाई कर देगा एंटीबायोटिक के, ताकि वो आपके इफेक्टर सेल पे अटैच ना कर सके। इसी तरह वो फिर अपने जो मेम्ब्रेन है उसको कुछ ऑल्टरेशन करते हैं जिसकी वजह से जो इफ्लक्स मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है। इफ्लक्स में क्या हो रहा है कि जैसे ही वो अंदर एंटर हो रहा है एंटीबायोटिक को साथ ही उसको इजेक्ट आउट करने की इफ्लक्स कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ एंजाइम के साथ जीन्स भी होते हैं जो हमारे टारगेट साइज को मॉडिफाई करते हैं और इफ्लक्स और इन्फ्लक्स मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो मोस्ट स्टडीड है वो इफ्लक्स सिस्टम ऑफ ईकोलाई फॉर
इसका जो सिस्टम है PCR एंटीबॉडी और TOIC सिस्टम है, ये क्या करते हैं आपके ये पेरी प्लाज्मिक प्रोटीन्स को और जो प्लाज्मा प्रोटीन की मेम्ब्रेन है उनके साथ एक्ट करते हैं और आइदर आपके जो इन्फ्लक्स है उसको रोकते हैं या इफ्लक्स को बढ़ा देते हैं एंटीबॉडीज को। जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो लिक्विड प्रोटीन्स का फिलहाल कहा जा रहा है कि वही हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, ये अपने आप होल्ड करती हैं और इन दोनों जो रिसेप्टर्स हैं ACRB और TOIC प्रोटीन्स को के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं और एग्जिट पाथ बनाते हैं फ्रॉम इनसाइड सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल और एंटीबायोटिक इन चैनल्स को थ्रू बाहर पंप आउट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आए ये इफ्लक्स पंप बना जो एंटीबायोटिक अंदर थी साइटोप्लाज्म में वो उसने बाहर निकाल दी इधर से। इसके बाद हमारे साथ मॉडिफाइंग टारगेट साइट्स ऑल्टरेशन प्राइवेशन टारगेट साइट्स एंड फेलियर टू इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ इफेक्ट एंटीबायोटिक्स आर एमिनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन माइक्रोलाइड्स एंड लिकोसमाइड्स, ये वो हैं जिनको मॉडिफाई करता है। उसके बाद फिर आते हैं ऑल्टर सेल वॉल प्रीकर्सर टारगेट्स ग्लाइकोप्रोटीन लाइक वैंकोमाइसिन बाइंड टू डी एलेनिन एंड डी एलेनिन व्हिच इज प्रेजेंट इन द टर्मिनल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन प्रीकर्सर्स और पेप्टाइडोग्लाइकन प्रीकर्सर्स हैं ये सेल वॉल में होते हैं जो कि आगे बढ़ने से रोक देते हैं जो इन्फ्लक्स को रोकते हैं। उसके बाद टारगेट साइट्स एंजाइम्स उनमें अगर कोई ऑल्टरेशन हो जाती है तो वो फिर आपके डायरेक्टली उसको ड्रग को डिग्रेड कर दें क्लिप कर देंगे और इस तरह वो ड्रग एक्ट नहीं कर सकती सेल पर और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आता है बाईपास इनहिबिशन, इसमें क्या हो रहा है कि ऑटोट्रॉफ ग्रोवर सेल की जो कि क्या करें आपके न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करेंगे और इन द एंड आपके बजाय इसके कि वो आपको एंजाइम्स को इनहिबिट करें और ड्रग को इनहिबिट करना कर देते सारे और ड्रग का इफेक्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ती कैसे है, अगर हम ड्रग का लेवल कम दे रहे हैं ऑप्टिमल ड्रग दे रहे हैं एक्सपोजर माइक्रोब्स कैरिंग रेजिस्टेंस जीन अब वो हम तो एंटी बैक्टीरिया को वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो उसमें वो फर्दर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग और आउटडेटेड एंटीमाइक्रोबियल इनएडिक्वेट सर्वेलेंस और डिफेक्टिव ससेप्टेबिलिटी ऑफ ऐसे पॉवर्टी और वॉर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन फूड एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल फीड स्प्रेड ऑन प्लांट्स। लेकिन ये सारी चीज़ें जो ये ह्यूमन कंट्रोल्ड हैं और जो सबसे अफसोस वाली बात यहाँ पे करने वाली वो ये कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं वो डॉक्टर्स आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस। हम आंखें बंद करके एंटीबायोटिक्स दे देते हैं विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हम उसको ग्राम नेगेटिव का एंटीबायोटिक देंगे तो वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा अपने अंदर और फिर क्रॉसिंग ओवर होती है बैक्टीरिया में जिससे वो जीन्स क्रॉसिंग ओवर होते हैं और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के जीन्स ले लेता है। इसी तरह जब माइल्ड रेजिस्टेंस आप लो डोज दे रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। इस तरह आपको ड्रग दे रहे हैं एनिमल्स को एनिमल फीड में आपने एनिमल्स एंटीबायोटिक दिया उनके मीट में पास आउट हुआ या मिल्क में पास आउट होगा। इसी तरह फिर हमारे पास आते हैं प्लांट्स में हम एंटीबायोटिक स्प्रे करते हैं वो भी फूड के साथ हमारे पास आते हैं तो प्लांट उसको ड्रॉप करता है उसके लीव्स में या जो मीटिंग पार्ट है उस तक जाता है उसको स्टोर होता है और जब हम खाएंगे तो वो आएगा प्लांट्स के हमारे पास। अब सोर्स ऑफ जीन के जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो बैक्टीरिया में आ कहाँ से रहे, एक तो ये कि जो प्लाज्मिड है वो खुद बना रहे हैं, दूसरा ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड क्रोमोसोमल डीएनए एरो ट्रांसपोर्ट जीन फ्रॉम प्लाज्मिड टू क्रोमोसोम एंड वाइस वर्सा। उसके बाद फिर नेकेट डीएनए बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है उसका डीएनए एनवायरनमेंट पड़ा जिससे बैक्टीरिया उसको इंगल्फ करेगा और जब वो उसको इंगल्फ करेगा तो जो उसमें जीन नहीं है जो लिविंग सेल था उसने जो डेड सेल के डीएनए को इंगल्फ किया उसमें कुछ म्यूटेशन ऐसी हैं जिसमें नहीं थी और उसके जब जेनेटिक मटेरियल में कॉपरेट होंगी तो उसमें वो चीज आ जाएंगी और वो भी रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये कुछ मैकेनिज्म है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे आती है आपके पास और ये ट्रांसफर कैसे होते हैं ट्रांसडक्शन के थ्रू भी मोस्टली ये ट्रांसफर होती हैं जी सारे हमारे डीएनए से और बैक्टीरियल प्लाज्मा के थ्रू। रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं अक्सर जो हमारे इंटीग्रॉन्स होते हैं उन पर लोकेट होते हैं, ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो फैसिलिटेट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हैं
mechanism to collect resistance gene resulting in transfer of resistance of multiple antibiotics selected from one antibiotic can result in bacterium with resistance of multiple antibiotics. Genes can be shuffled for optimal expression level of each. अब bacteria ने अपने आप को fittest बनाना है ताकि उसका survival हो सके. तो वो जीन में reshuffling होती है, इधर से उधर जीन इकट्ठे करता है. जिसने मैं पहला आपको बताया नेकेड डीएनए इंजेक्ट करके अपने अंदर जो म्यूटेट डीएनए को ले आएगा, उसके इनकॉर्पोरेशन से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी. उसके बाद फिर नॉन जेनेटिक मैकेनिज्म्स क्या हैं, उसमें हमारे पास बायोफिल्म में बैक्टीरिया अपने अराउंड फिल्म प्रोड्यूस कर लेता है जिससे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है. इंट्रासेलुलर लोकेशंस हैं, स्लो ग्रोथ है, स्पोर्स है, रेजिस्टर्स हैं, कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ ग्रोथ स्लो हो जाती है लेकिन डेथ नहीं होती एंटीबायोटिक से. तो वो भी एक तरह की रेजिस्टेंस ही है कि जब 3 दिन आपने एंटीबायोटिक लिया तब तक तो ग्रोथ स्लो हो गई, लेकिन जब एंटीबायोटिक स्टॉप हुआ तो ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो गई थी. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हमें रोकना कैसे है? सबसे पहले हमने अपने आप के गिरेबान में जाना है डॉक्टर्स की. प्रिस्क्राइबिंग स्ट्रेटजीज आपने देखनी है, डाइट कंट्रोल होना चाहिए आपके, प्रिस्क्रिप्शन होनी है, टेम्प्रेरी विड्रॉल ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स होने चाहिए, ठीक है. और एंटीबायोटिक रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ सीरियस इन्फेक्शन के लिए, ये ना हो कि आपको गला खराब है एंटीबायोटिक खाने शुरू कर दें. इसी तरह डॉक्टर्स क्या करते हैं, बंदा है नज़र जुकाम से ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे रही है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों दे रहे हैं, जो आप बग सस्पेक्ट करें आप उसके अगेंस्ट दें या पहले कल्चर करवाएं फिर दें, ठीक है. उसी तरह कुछ डॉक्टर्स कम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, इसका कोई रैशनल नहीं है. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन दे रहे हैं, क्यों भाई आप क्यों दे रहे हैं सिंगल इन्फेक्शन में, ठीक है. इसी तरह आपको फिर नॉलेज होना चाहिए कि लोकल स्ट्रेन जो हैं आपके एरिया में वो उनके क्या क्या रेजिस्टेंस पैटर्न है ना. एंटीबायोग्राम आपके पास होना चाहिए अपनी पॉपुलेशन का और उसके थ्रू आप फिर जज करें आपके एंटीबायोटिक आपने कौन सा देना कौन सा नहीं देना, ठीक है. इसी तरह फिर आपने जो मेडिसिन और मेथिसिलिन है उसके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मेथिसिलिन आप देनी बंद कर दें, ठीक है. या और इस तरह आप देखेंगे जो बीटा लैक्टिन जैसे हम एंटीबायोटिक देते हैं, बीटा लैक्टिन प्रोड्यूसिंग जो बग्स हैं उनको आप ऑगमेंटिन ना दें और कम्बिनेशन देता है. इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएं उसके बाद आप दें मेडिसिन. थैंक यू.